हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लास्ट पार्ट देख रहे हैं। हमने लास्ट पीरियड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसको समझा था। उसके कुछ अप्लीकेशंस हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम आने वाली है उस एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको आंसर सिर्फ 1 वर्ड में करना है, आप पूरे सेंटेंस में नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो आप जैसे नॉर्मली आप एक वर्ड में लिखते हो, जैसे किसी क्वेश्चन का अगर आंसर आ रहा है डायरेक्शन, है ना, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ डायरेक्शन ही लिखोगे, उसके अलावा और कोई चीज़ें लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 वर्ड में आपको आंसर उसमें करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले अभी मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट टू शो लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि अर्थ के सरफेस के ऊपर काफ़ी एयर अवेलेबल है और उस एयर के कारण अर्थ के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर आता है और उस प्रेशर को हमने नाम दिया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अभी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है वो हमें पता करना है। इन्होंने बोला है लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारे अर्थ के ऊपर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी एक्चुअल में ये कितना है और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमें ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखना है। तो एक्सपेरिमेंट करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम था ऑटो वोन गुरिके, जो मैग्डेबर्ग नाम के एक टाउन में रहते थे। 1640 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था, देखो आप यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, इस तरह के दो छोटे छोटे हेमिस्फीयर लिए हुए हैं, ठीक है, जो अंदर से पूरे हॉलो है और बाहर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर उनका बना हुआ है जो आप देख पा रहे हो। इसके ऊपर से एक हुक लगी हुई है, इसके ऊपर भी एक हुक लगी है और इसके ऊपर एक सक्शन पाइप दिया हुआ है, जिस पाइप से आप क्या करोगे, इनको ज्वाइन करने के बाद इनके अंदर की एयर को बाहर निकाल दोगे, उसके अंदर कोई एयर को रहने नहीं दोगे। अभी क्या होगा, देखो जब आप इसको पहले ज्वाइन करोगे और एयर को बाहर नहीं निकाला, हमने नॉर्मली ज्वाइन किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एयर अंदर प्रेजेंट रहेंगी। व्हेन एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द जॉइंट हेमिस्फीयर दे कैन बी इजिली सेपरेटेड। उस केस में आप अगर इसको खींचोगे अपने हाथों से तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि अंदर एयर प्रेजेंट है, बाहर भी एयर है, अंदर भी एयर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है कुछ उतना ही प्रेशर अंदर भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप दोनों को आराम से अलग कर दोगे, ठीक है। बट दिक्कत तब आती है जब आप क्या करोगे, इसमें से एयर को बाहर निकाल दोगे। इसको एयर से बाहर, एयर को यहाँ से बाहर निकाल देने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर बनेगा, अंदर कुछ भी एयर अवेलेबल नहीं है, वैक्यूम पंप से मैंने सबको बाहर निकाल दिया हुआ है और अंदर क्या है, वैक्यूम, और बाहर क्या है, एयर। तो फिर क्या होगा, ये बाहर की एयर इस वैक्यूम के अंदर मतलब लो प्रेशर के एरिया में जाने की कोशिश करेगी, है ना। आपने सब अपना हमने पहले भी पता किया है, ज्योग्राफी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि हमेशा एयर जो है वो हाई प्रेशर की सिचुएशन से लो प्रेशर की सिचुएशन की तरफ जाना चाहती है। तो यहाँ पे बाहर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और अंदर कुछ भी एयर ही नहीं है, मतलब एयर का प्रेशर बहुत ही कम है, तो उस केस में ये बाहर की पूरी एयर इस हेमिस्फीयर के अंदर, उस स्पीयर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और उससे क्या होगा, इस प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा इस हेमिस्फीयर के ऊपर। और उसके बाद अगर आपने 8 8 हॉर्सेस के दो टीम बना के भी इसको खींचने की कोशिश की तो भी आप इस हेमिस्फीयर को सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी एयर नहीं है और बाहर की एयर इसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है। मतलब उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप 8 8 हॉर्सेस के दो टीम बना के भी उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको एक चीज़ समझ में आई होंगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है और उस वैल्यू की उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि आप इतने बड़े बड़े हॉर्सेस लगाकर भी इस स्पीयर को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, जबकि जब उसके अंदर एयर थी तो आप उसको इजीली अपने हाथों से ही सेपरेट कर पा रहे थे। समझ में आया आपको, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है और वो वैल्यू जो है वो आप किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट कर भी सकते हो, ठीक है ना। अभी मैंने आपको समझाया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, फिर हम लोग भी तो इस अर्थ के ऊपर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सर के ऊपर भी है, मतलब उसका प्रेशर हमें भी तो महसूस होना चाहिए ना। अगर इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे सर के ऊपर है, हमारे बॉडी के ऊपर है, तो हमें तो कुछ भी महसूस नहीं होता, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हमें देखना है। तो वही क्वेश्चन उन्होंने भी पूछा है, इफ़ द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज सो ग्रेट
देन वाई आर वी नॉट क्रश्ड बाई इट? अगर इतना ज्यादा प्रेशर, जो प्रेशर हमारे 8-8 हॉर्सेस की टीम मिलके भी उसको सेपरेट नहीं कर पा रही है, उतना प्रेशर अगर हमारे बॉडी के ऊपर है तो हमारी बॉडी तो क्रश हो जानी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है उसको भी हमें समझना है। तो उसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है, हमारे बॉडी के अंदर एक चीज होती है, एक लिक्विड होता है जिसको बोला गया है ब्लड। और आपको एक चीज पता होगी कि हमारा जो हार्ट है वो हार्ट ब्लड को पंपिंग करता है पूरी बॉडी के अंदर, है ना। और ये जो हार्ट में से ब्लड पंपिंग होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रेशर होना चाहिए। जैसे हमारे घर के ऊपर टंकी में वाटर होता है और वो वाटर जो है आप किसी भी नल में से ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि उसके अंदर एक प्रेशर होता है। जैसे आपने टैब ओपन किया वाटर आना शुरू हो जाता है, वो किसके कारण पॉसिबल हुआ? एक प्रेशर के कारण, है ना। उसी तरह से हमारे ब्लड के अंदर भी प्रेशर होता है और उस प्रेशर के कारण ही ब्लड जो है वो इधर उधर आप बोल सकते हो कि बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है, सही है। तो जैसे ही आपके बॉडी में थोड़ा सा भी कट आ जाए तो जो ब्लड है वो बाहर निकलना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि अंदर एक प्रेशर है, उस प्रेशर के कारण वो ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ है, हमारी बॉडी जो है वो एक प्रेशर एग्जर्ट करती है बॉडी के बाहर, और कौन सा प्रेशर होता है? ब्लड प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये ब्लड प्रेशर जो है वो एक आप क्या बोल सकते हो कि कैंसल आउट कर देता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड इज बैलेंस्ड, इसको बैलेंस कर दिया बाय द ब्लड प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, और उसके कारण ही हमारी बॉडी जो है वो क्रश्ड नहीं हो पाती है, ठीक है। अभी इस चीज़ को मैं कैसे प्रूव करके बताऊँ कि हमारी बॉडी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वाला जो प्रेशर है उसको एग्जर्ट कर रही है, हमारी बॉडी के ऊपर आने वाली प्रेशर को वो खत्म कर देती है, बैलेंस कर देती है। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप इसमें कर सकते हो। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल आउट कर देता है, बट हमारी बॉडी को कभी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता है, है ना, कि हमारी बॉडी जो है उसको कैंसिल आउट कर रही है तो हमें कुछ महसूस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ आपको ज़रूरी है, अभी हम लोग जो अर्थ के ऊपर है वो सी लेवल के ऊपर ही है ना। आपको एक चीज़ पता है कि मैंने जो लास्ट हमारा वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप जैसे जैसे हमारे अर्थ से ऊपर जाओगे वैसे वैसे कम होते जाएगा, है ना, क्योंकि एयर का जो वेट है आप बोल सकते हो वो कम होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप अर्थ के सी लेवल से ऊपर जाने पे कम होती है, बट हमारे बॉडी के अंदर के ब्लड प्रेशर की वैल्यू तो कम ज़्यादा नहीं होंगी, वो तो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो उस केस में जब आप हाई अल्टीट्यूड्स पे जाते हो उस केस में हमारी बॉडी जो है उसके अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब हमारा जो नोज़ होता है उस नोज़ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और उसके कारण हमारे नाक में से जो ब्लड है वो बाहर निकलना शुरू करता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे अर्थ से आप जब ऊपर जाओगे तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो, मतलब हमारे ब्लड प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, ब्लड प्रेशर की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और उसके कारण ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर आना भी शुरू हो जाएगा। आया समझ में? तो ये जो है आप एक अच्छा सा एग्जांपल दे सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर के लिए। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी प्रेशर है जो हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल होती है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल आउट करती है, तो वो प्रेशर कौन सी है? वो है हमारी ब्लड प्रेशर जो हमारे बॉडी के अंदर होती है। इसके अलावा हम डेली लाइफ के अंदर काफ़ी सारे जगहों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ करते हैं बट हमें पता ही नहीं चलता कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यहाँ पे यूज़ किया है। तो वो कौन से एग्जांपल है? तो सबसे पहला है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। जब आप कोई जूस पीते हो या फिर कोई चीज़ को आप इस तरह से जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से हम हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, वो चीज़ हमारे स्ट्रॉ में कैसे हमारे बॉडी तक पहुंच पाती है उसको थोड़ा सा हमें समझना है। तो देखो यहाँ पे एक ग्लास जार मेरे पास में रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक हमने भर के रखा हुआ है और ये मैंने स्ट्रॉ लगाया। अभी होता क्या है, जब ये पर्सन इस स्ट्रॉ के अंदर एयर को सक करेगा तो उससे क्या होगा, इस स्ट्रॉ के अंदर की पूरी एयर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब स्ट्रॉ के अंदर एक लो प्रेशर का आप बोल सकते हो कि एक एरिया फॉर्म्ड हो चुका है। यहाँ पे प्रेशर कैसा है? लो है, बट इधर से एयर को अंदर जाने के लिए कोई
ऑप्शन नहीं है एयर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पे है, तो ये एयर जो है यहाँ से अंदर जाके यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अंदर कुछ भी एयर का प्रेशर नहीं है, कुछ भी एयर नहीं है, आपने पूरी एयर जो है सक कर लिया। आया समझ में? तो उस केस में इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये जो प्रेशर है, ये जो एयर है, वो यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करेगी, और उसके कारण ये जो वाटर है या फिर जो भी सॉफ्ट ड्रिंक इसके अंदर है, वो फिर इस पाइप से ऊपर की ओर भागना शुरू कर देगा। आए समझ में? और इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को स्ट्रॉ की हेल्प लेके सक कर सकते हो, और उसमें आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हेल्प करता है इस चीज़ को हमारे बॉडी के अंदर सक करने के लिए। आए समझ में आपको? उसी तरह से एक एग्जांपल सिरिंज का भी होता है, जो आप इंजेक्शन लेने के लिए आप जाते हो हॉस्पिटल में, तो उस समय आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो ये जो इसका पिस्टन होता है पीछे की तरफ, उसको पुल अप करता है, उसको ऊपर की तरफ खींचता है। तो पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचने से क्या होगा, ये जो अंदर की एयर है वो सक हो जाएगी, एयर जो है वो वहाँ से कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे फिर से एक लो प्रेशर की सिचुएशन तैयार हुई। बट ये जो है, ये हमने औषध मतलब जो हमारे पास मेडिसिन है उसके अंदर इसमें इसको रखा हुआ, तो उसके कारण क्या होगा कि एयर जो है वो डायरेक्टली तो अंदर नहीं जा सकती, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ की जो भी मेडिसिन है या फिर जो भी हमारे पास लिक्विड वहाँ पे प्रेजेंट है उसको वो प्रेशराइज करेगा, ताकि ये यहाँ से ऊपर जाए और उसकी जगह जो है जहाँ पे लो प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी जगह ये लिक्विड ले ले। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको हेल्प करेगा इस लिक्विड को सिरिंज के अंदर भेजने के लिए। आ रहा है आपको समझ में? तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपको स्ट्रॉ से सॉफ्ट ड्रिंक को सक करने के लिए, या फिर सिरिंज के अंदर मेडिसिन को खींचने के लिए, सक करने के लिए भी आपको यहाँ पे हेल्प करता है। ड्रॉपर तो आपने देखा ही होगा, जो हमारे पास में इंक पेन होता है उसके अंदर हम लोग ड्रॉपर से इंक फिलअप करते हैं, है ना? तो ये ड्रॉपर जो है वो किस तरह से वर्क करता है, इसको भी थोड़ा सा समझो। ये पीछे एक रबर बल्ब दिया हुआ है, अगर मैं इस रबर बल्ब को इस तरह से प्रेशराइज करूंगा, दबाऊंगा, तो इसके अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी, और उसके बाद उसको वैसे ही पकड़ के अगर मैं इंक कि बॉटल के अंदर रखूंगा और उस प्रेशर को उसको छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, बाहर की एयर जो है वो अंदर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि अंदर काफी लो प्रेशर का बेल्ट फॉर्म हो चुका है। फिर इसके अंदर तो एयर नहीं है, तो एयर बाहर है, तो ये एयर अंदर इसको प्रेशराइज करेंगी, और यहाँ से लिक्विड जो है या फिर इंक जो है वो हमारे ड्रॉपर के अंदर आ जाएगी। बाद में इसको मैं वैसे ही पकड़ के लेके जाऊंगा, वो बाहर आएगी नहीं, जैसे मैं उसको प्रेशराइज करूंगा, इस तरह से दबाऊंगा पीछे वाले उस रबर बल्ब को, तो इंक जो है वो हमारे ड्रॉपर से बाहर निकल के पेन के अंदर आप उसको डाल पाओगे। आए समझ में? तो ये भी एक एग्जांपल होता है ड्रॉपर का, जो हमेशा हम लोग देखते हैं। इसके अलावा रबर शक्कर का भी एग्जांपल आपने देखा होगा, दीवार के ऊपर हम लोग रबर शक्कर को इस तरह से चिपका देते हैं, जब आप इसको ऐसे लगाते हो प्रेशराइज करते हो, तो अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में एयर जो है अंदर प्रेजेंट होती है, और बाहर तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एयर है ना? तो ये जो बाहर की एयर है, आपने मैंने आपको पहले भी समझाया कि हमेशा एयर जो है वो हाई प्रेशर की सिचुएशन से लो प्रेशर की सिचुएशन की तरफ जाना चाहती है, तो अंदर प्रेशर कम है बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये एयर अंदर जाने की कोशिश करेगी, बट अंदर जाने के लिए कुछ भी यहाँ पे इसको ओपनिंग नहीं है, और उसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, इस शकर को ये ऐसे दबा के रखेगा, और ये शकर यहाँ पे ऐसे दीवार से चिपक के रहेगा। बाद में फिर आप उस शकर का यूज़ करके कुछ हुक लगा के आपकी कीज रखने के लिए, या फिर कोई भी जो चीज़ आप वहाँ पे लटकाना चाहते हो उसके लिए आप इसका फिर यूज़ कर सकते हो, है ना? तो ये भी एक आप एक एग्जांपल दे सकते हो रबर सकर का, जिसके अंदर भी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली सिचुएशन का यूज़ किया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ चुकी है। आपको भी एग्जाम के लिए जो ये वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास में जो वेरी शॉर्ट आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको आप अच्छे से करो। बाकी जो भी आप इसके आंसर लिखोगे वो आपको शॉर्ट में लिखना है, वन वर्ड में लिखने की कोशिश करो अगर आप लिख सकते हो, है ना? क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा ही आपका पेपर जो है वो चेक होगा, तो हम लोगों ने जो भी आंसर फीडअप करके रखे हुए हैं सेम आप वही आंसर लिखोगे तभी आपके वो मतलब सही होता है। बट ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वन वर्ड में आंसर लिखने की कोशिश करो, सब बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ चुका है, अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।